अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जवाद फ्रॉम गेम्स एंड गैजेट्स। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं पांडा गेमिंग स्टोर का और बात करेंगे यूज्ड पावर सप्लाईज के बारे में और ब्रांड न्यू पावर सप्लाईज के बारे में और अपडेट करेंगे उनकी प्राइसेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारा चैनल गेमिंग और गेमिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट पे वीडियो बनाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेमिंग और गेमिंग प्रोडक्ट पे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तुमसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस उन तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफाकत कियानी, पांडा गेमिंग स्टोर मिडवे सेंटर रावलपिंडी से। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम आपको यूज और नई जो मेरे पास अवेलेबल पावर सप्लाई हैं उनकी प्राइसेस अपडेट करूंगा और देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूज़ कम प्राइस से शुरू करते हैं, नीचे से चलते हैं कि जहाँ से बजट स्टार्ट हो रहा है तो फिर ऊपर चलेंगे, महंगी जैसे जैसे होती जाएंगी फिर न्यू की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये सीसोनिक में देखो, ये मेरे पास गोल्ड में अवेलेबल है। अभी ये जो है आपकी 360 वॉट में है, सीसोनिक ब्रांड तो काफ़ी अच्छा है, 80 प्लस गोल्ड में है मेरे पास ये अवेलेबल। और ये वाली सप्लाई जो है ये आपको तकरीबन 4000 तक मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलो तो मेरे पास एनटेक में फिर आती है 380 वाट में, ये भी 80 प्लस ब्रॉन्ज में है, ये भी आप एनटेक का भी ब्रांड काफ़ी अच्छा है और ये भी आपको सेम प्राइस में मिल जाएगी। ठीक है, 4000 में ये ब्रांड के। अब बाकी जो चाइनीज़ वगैरह जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अब कितने वाट है, 450 वाट, ये चाइनीज़ और ब्रांड न्यू है। ठीक है, ई ड्रैगन की है और ये नई आपको 3000 की मिल जाएगी। वो यूज़ में महंगी है थोड़ी क्योंकि वो ब्रांड्स हैं। अब ये जो है इसमें क्योंकि बाद में फिर आपको वही जो बात आती है कि इसमें 6 पिन कनेक्टर वगैरह वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपने अगर ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाना है तो वो इस पर नहीं लगेगा। 2 GB तक तो ये चला लेता जो पिनलेस कार्ड आते हैं वो वाले, लेकिन जो पिन वाले हैं वो इस सप्लाई पर नहीं चलेंगे। उसके बाद आगे फिर एनटेक में ही मेरे पास 450 वाट में भी अवेलेबल है, ये आपको जो है तकरीबन आपको 4500 तक मिल जाएगी। ये भी इंटेक में है, साफ़ सुथरी सप्लाई है, सारी सी ये सप्लाई जो है ये सील्ड सप्लाइयाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कूलर मास्टर में मेरे पास 500 वाट एक अवेलेबल है, ये चेक करें, ये आपको 5000 तक मिल जाएगी। ये इंटरनेट पे आप डालें कि मे बी इसका मॉडल जब आप डालते हैं तो शायद ये 80 प्लस ब्रॉन्ज भी इसका इंटरनेट पे आए, सप्लाई पे तो मेंशन नहीं होता। कुछ जो मॉडल हैं पुराने उनमें सप्लाई पे मेंशन नहीं होता, लेकिन आप जब इनकी वेबसाइट पे चेक करोगे तो वहाँ पे 80 प्लस ब्रॉन्ज वगैरह उसका मेंशन होता है। आगे कूलमैक्स में मेरे पास अवेलेबल है, इसमें सारी हैं, 500 भी है, 600 भी है, 700 भी है। आप सबसे पहले तो 500 वाट की प्राइस आपको बताते हैं, ये कूलमैक्स एलीट सीरीज़ है इसकी 500 वाट में, अब ये जो है 5000 की आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि इससे बेहतर थोड़ी क्वालिटी में 500 वाट में भी मेरे पास अवेलेबल है। अब ये रोजविल ब्रांड है, ठीक है, ये यूके का ब्रांड है, इसमें अभी सारे मेरे पास अवेलेबल हैं, 500 वाट, 600 वाट, 700 वाट, सारी की सारी अवेलेबल हैं। रोजविल है 80 प्लस, ये गोल्ड में है। ठीक है, इसमें 80 प्लस ब्रॉन्ज भी आती है, वो भी मेरे पास है और ये गोल्ड वाली आपको 8000 की मिलेगी 500 वाट में, 550 वाट में, 550 वाट है 80 प्लस गोल्ड में और सेमी मॉड्यूलर है, सादी सप्लाई नहीं है, ये आपको 8000 की मिलेगी गोल्ड में। नेक्स्ट गोल्ड में ही मेरे पास जो है 550 वाट में थंडर में भी अवेलेबल है और ये फुल मॉड्यूलर है, इसकी आपकी जो 24 पिन कनेक्टर है वो भी मॉड्यूलर है, इसकी कोई भी केबल जो है वो फिक्स नहीं है, ये सारी की सारी इसकी मॉड्यूलर है। ठीक है, ये वाली थोड़ी मुनासिब प्राइस में है, ये आपको जो है तकरीबन को 6000 तक मिल जाएगी 550 वाट गोल्ड में थंडर की। नेक्स्ट कूलर मास्टर की मेरे पास है 600 वाट की, ये साइलेंट प्रो मॉडल है, ये तकरीबन जो है आपको 8000 तक मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये भी सेमी मॉड्यूलर है, इसकी जो 24 पिन और जो 8 पिन कनेक्टर आता है ग्राफिक कार्ड वाला मदरबोर्ड वाला वो फिक्स होते हैं, बाकी जो है इसके मॉड्यूलर्स हैं ये सेमी मॉड्यूलर में आती है। फिर 600 वाट में मेरे पास कूलमैक्स में फिर आती है ये जगह, ये भी एलीट सीरीज़ की ही है और इसकी प्राइस जो है आपको 7000 मिलेगी कूलमैक्स में 600 वाट। नेक्स्ट उसके बाद रोजविल में फिर से जो है 600 वाट की आई है मेरे पास, ये भी सेमी मॉड्यूलर है और ये जो है गोल्ड नहीं है, ये 80 प्लस ब्रॉन्ज में है, ये वाली आपको 9000 की मिलेगी। ठीक है, ये वही जैसे मैंने आपको बताया था, ये यूके का ब्रांड है, उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इनकी केबल्स की क्वालिटी बड़ी प्रीमियम लेवल की है, उसकी वेट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके जो ऊपर बॉडी यूज़ हुई है या जो अंदर इसके जो भी पार्ट्स कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद फिर थर्मल टेक में मेरे पास 650 वाट है, अब ये भी 80 प्लस ब्रॉन्ज में ही आती है
और ये बिल्कुल 10x10 कंडीशन में मेरे पास अवेलेबल है और सील्ड लगी हुई है, ठीक है, ओरिजिनल सील्ड हैं। और ये आपको जो है आपको मिल जाएगी तकरीबन 9000 तक। ये थर्मल टेक 650 वाट लाइट पावर मॉडल सीरीज़ की है। नेक्स्ट उसके बाद फिर 650 वाट में ही आती है भाई कूलर मास्टर, ये गोल्ड में है 650 वाट में, और ये आपको जो है 9000 तक मिल जाएगी। ये भी कोई मॉड्यूलर या सेमी मॉड्यूलर वगैरह तो नहीं है, लेकिन कूलर मास्टर 650 वाट है, गोल्ड सीरीज़ की है, और कंडीशन इसकी बिल्कुल जो है आपके सामने है। नेक्स्ट फिर 700 वाट में कूलर मास्टर भी अवेलेबल है, ये सेमी मॉड्यूलर में है मेरे पास 700 वाट कूलर मास्टर, ये आपको मिल जाएगी, ये भी 9000 की मिल जाएगी। ये भी आपके सामने इसकी भी कंडीशन है, करीब से दिखा दें थोड़ी तो बेहतर रहेगी। इसके मॉड्यूलर वगैरह आपको सारे मिलेंगे, ठीक है, साथ। फिर वही जो आपको कूलमैक्स की पहले बताई थी उसमें 700 वाट फिर से आ गई है, वो पहले 500 और 600 थी, अब 700 आ गई है, वही एलईडी सीरीज़ में ही है 700 वाट। अब इनकी प्राइस काफ़ी मुनासिब है, ये आपको 8000 की मिल जाएगी 700 वाट में, ठीक है। ये आपके 8GB तक के ग्राफिक कार्ड जो हैं वो सारे चल जाएंगे, 5700XT वगैरह जो हैं या 2060 इस तरह के जितने 8GB तक जितने भी कार्ड हैं वो सारे चलेंगे। फिर 700 वाट में रोज़विल आती है मेरे पास, ये भी 80+ ब्राउन्स में है और सेमी मॉड्यूलर, जैसे कि पहले आपको 550 और 600 वाट दिखाई थी, और ये वाली आपको जो है 10000 तक मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी सील्ड हैं, कोई भी इनमें खुली रिपेयर नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद फिर नई आती हैं, आप नई सप्लाइयों में मेरे पास रेड ड्रैगन है, ईगो है, फिर रेड ड्रैगन है और थंडर है, और फिर से 850 वाट तक मेरे पास अवेलेबल। सबसे पहले तो 600 वाट है, अब ये वाली जो है ये नॉर्मल सप्लाई है 600 वाट में, 80+ ब्राउन्स है, ब्रांड न्यू है, 10 महीने इसकी वारंटी है, और ये कोई मॉड्यूलर या इस तरह का सीन नहीं है, सिर्फ 80+ ब्राउन्स में है, और ये आपको मिल जाएगी भाई तकरीबन जो है 12.5 हज़ार की। अब इसी में मेरे पास जो है ये फुल रेंज में आती है, ये चेक करें, फुल मॉड्यूलर में 600 वाट ही है, 80+ ब्राउन्स में है, और काफ़ी प्यारी सप्लाई है, इसकी भी 10 महीने वारंटी है, ब्रांड न्यू है, और ये वाली आपको जो है मिल जाएगी 15000 की। नेक्स्ट चलूँ तो फिर एगो में आती है GP80X पावर सीरीज़, अब ये वाली सप्लाई जो है 750 वाट में है, 80+ में आती है ये भी, और ये भी जो है आपको 13000 की मिल जाएगी, इसकी भी 10 महीने वारंटी है, ब्रांड न्यू है। आगे चलूँ तो मेरे पास थंडर में 750 वाट अवेलेबल है भाई, इसकी भी 10 महीने वारंटी है, और ये भी 80+ ब्राउन्स है और 750 वाट है, और ये वाली भी जो है आपको तकरीबन 12.5-13 हज़ार की मिल जाएगी, इसकी मेरे ख्याल से 12.5 हज़ार प्राइस है। नेक्स्ट लास्ट सप्लाई जो मेरे पास 850 वाट में अवेलेबल है, ये भी रेड ड्रैगन की है, RGPS 850 वाट, ये फुल मॉड्यूलर है और प्लस RGB है, इसके आपका जो 24 पिन वगैरह वो भी मॉड्यूलर, यानी कि फुल मॉड्यूलर है, इसमें जितने भी आपकी बैक पे केबल होंगी सारी की सारी मॉड्यूलर्स होंगे साथ, और सेमी मॉड्यूलर नहीं है, और 80+ गोल्ड में है, ठीक है, RGB है और गोल्ड में है, और ये इसकी प्राइस जो है 29000, इसकी भी 10 महीने वारंटी है। अब ये सारी सप्लाइयाँ जितनी भी आपको यूज़ में बताई है उनकी भी आपको तकरीबन 10 दिन की वारंटी मिल जाएगी, यूज़ की भी, नए की जैसी मैंने आपको बताया है कि कोई 10 महीने तक की वारंटी है, तो इनमें से कोई भी अगर आप परचेज़ करना चाहो तो हमारी शॉप है पांडा गेमिंग स्टोर मिडवे सेंटर रावलपिंडी में, हम ऑल पाकिस्तान शिपिंग भी करते हैं, किसी भाई ने अगर शिप करवानी है तो वो भी करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, कुछ पेमेंट जो है थोड़ी सी एडवांस करनी पड़ेगी, बाकी जो है आप कैश ऑन डिलीवरी पे कर सकते हो, शिपिंग फ़ीस जो लगेगी वो अलग से चार्ज होगी, वो इसमें शामिल नहीं है, ये नहीं है कि आप जितने की सप्लाई परचेज़ कर रहे हो तो वो शिपिंग फ्री होगी, फ्री नहीं है, शिपिंग फ़ीस उसकी चार्ज होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस शॉप से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।